हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वेंस। सो ये हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने पहला पार्ट बना चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट है। और हमने स्टैटिक जीके के भी कुछ पार्ट्स बनाए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ RBI एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो ये सारे बैंक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी अपकमिंग आने वाले हैं ESICG जैसे और SBI IBPS हर एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें सब आसानी से बताया हुआ मैंने, जो आपको डायरेक्टली समझ ही आ जाएगा, एक बार सुनोगे तो डायरेक्टली आपको समझ आ जाएगा। और छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो भी इसमें इंक्लूड करा हुआ है, ठीक है। तो आप कुछ पूरी वीडियो देखना, आपको सब समझ आ जाएगा कैसे, और फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एकदम आसान भाषा में मैंने इसको बताया है। और अगर आपने इससे पहले अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं था तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले फंक्शन वगैरह जानने से पहले हमें पता होना चाहिए RBI क्या है, कैसे क्या इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। RBI के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार्ट हुआ था हिल्टन यंग कमेटी से, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। हिल्टन यंग कमेटी है जिसने रिकमेंड करा था 1926 में कि RBI बननी चाहिए। RBI क्यों बननी चाहिए था कि जो बैंक्स पहले थे जो सही तरीके से नहीं चल पाते थे, तो उसके मतलब एक सपोर्ट देने के लिए एक RBI जो रिज़र्व मतलब सारे बैंक को सपोर्ट करेगा और हर चीज़ में जैसे कंट्रोल करेगा करेंसी में भी और हर चीज़ में, तो तभी RBI बनाई गई थी। और हिल्टन यंग कमेटी है जो 1926 में हुई थी उसने रेकमेंड करा था, तब जाके RBI बनी थी। तो जो RBI है वो सेंट्रल बैंक है पूरी कंट्री का, मतलब जितने भी बैंक आते हैं उसके ऊपर आता है सारा RBI। RBI ही सारे बैंक को कंट्रोल करता है, ठीक है। और RBI का जो एक्ट है 1934 में पास हुआ था, ठीक है। जो पूछते हैं इंटरव्यू में एग्जाम से पूछते हैं RBI का एक्ट कब पास हुआ था और कब इस्टेब्लिश हुआ था RBI, तो RBI का एक्ट 1934 में पास हुआ था और इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935, ठीक है। एक्ट अलग है और एस्टेब्लिशमेंट अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो ऑफिस था सेंट्रल ऑफिस वो था कोलकाता में, उसके बाद 1937 में बॉम्बे में मतलब मुंबई में शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो शिफ्ट होने के बाद ये नेशनलाइज हुआ 1949 में। नेशनलाइज मतलब जितने भी RBI के शेयर्स थे वो सारे गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे, तो RBI एक गवर्नमेंट बॉडी बन चुकी थी उस टाइम पर, ठीक है। तो ये था कुछ RBI के बारे में जो आपको डायरेक्टली याद करना है। 1926 में हिल्टन यंग कमेटी ने रेकमेंड करा था, ठीक है। और ये सेंट्रल बॉडी है हर बैंक की। और ये RBI 1934 में एक्ट पास हुआ था, 1935 1 अप्रैल को ये एस्टेब्लिश हुआ था। पहले इसका ऑफिस कलकत्ता में था और फिर उसके बाद 1937 में बॉम्बे में पहुंच गया था। 1949 में इसका नेशनलाइज हुआ था, तब जाके हमारा जो RBI है वो गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर हो चुका था। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि आपको गवर्नर इंडियन गवर्नर आपको देखना है, अगर आप आई होप आपने कमेंट सेक्शन में कर दिया होगा कमेंट, ठीक है। तो मैंने इसमें भी इसमें फर्स्ट 3 गवर्नमेंट लेके आए हैं जो एग्ज़ाम से पूछी जाती हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं। तो पहला जो गवर्नमेंट था वो था सर एस बॉन स्मिथ, सेकेंड था वो जेम्स टेलर, एंड फर्स्ट इंडियन जो गवर्नमेंट था RBI का वो था CD देशमुख, ठीक है। CD देशमुख ये पूछते हैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI, तो आपको देखना है CD देशमुख, डायरेक्टली याद कर लेना, ठीक है। सो अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ RBI। RBI के कुछ फंक्शन हैं जिसके अंडर में कंट्रोल जिसके अंडर RBI के अंडर में आते हैं। पहला है बैंकर्स बैंक, जिसको हम बोलते हैं बैंकों का बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ गवर्नमेंट, नेक्स्ट है इशूज करेंसी, नेक्स्ट है मेंटेन्स फॉरेक्स रिजर्व्स, एंड नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। तो ये कुछ फंक्शंस हैं RBI के जो परफॉर्म करते हैं RBI के अंडर में, बैंकर्स बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, इश्यूज करेंसी, मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व्स एंड लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। तो हम इसके बारे में देखेंगे एक एक करके। सो फर्स्ट है बैंकर्स बैंक, इसको हम बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, रेगुलेट बाय बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ डायरेक्टली आपको, जैसे कि अब RBI क्या करता है, बाकी बैंक को लोन भी देता है, ठीक है, दे सकता है और पैसे भी दे सकता है RBI। तो लाइक आपको जैसे पैसे की ज़रूरत है तो आप तो RBI के पास नहीं जा सकते, ठीक है, आप तो बैंक के पास जाओगे, बैंक के पास जाके आप जो भी आपका पैसे की ज़रूरत है वो आपसे बैंक से ले लोगे। तो यही काम बैंक RBI से कर सकता है, मतलब अगर बैंक को कभी लोन लेना हो या पैसे की ज़रूरत हो तो वो बैंक कहाँ जाएगा, RBI के पास, क्योंकि RBI बोला जाता है बैंकों का बैंक, मतलब बैंक का भी, बैंक की भी हेल्प करने वाला एक बैंक जो है वो है RBI। अगर बैंकों की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्टली RBI के पास जाते हैं, और हम जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम जाते हैं बैंक के पास, ठीक है। तो ये दो जो बैंकों का बैंक है ये दो वेज़ में कंट्रोल होता है, पहला है RBI एक्ट 1934, ठीक है, सेकंड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो मैंने आपको पहले भी बताया था दोनों, ठीक है। RBI एक्ट में कुछ होती हैं जैसे CRR SLR
करेंसी इशू, ये सब लिखी रहती है इसके अंदर। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो भी बैंक से रिलेटेड जो पेनल्टी वगैरह है वो सब लिखी रहती है इसके अंदर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे SLR CRR वगैरह। ठीक है, आगे और भी वीडियोस आने वाली है इसी चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। तो ये कुछ जैसे कि बैंकों का बैंक मतलब क्या है कि बैंक जो भी है, जो भी बैंक को प्रॉब्लम है या पैसों की जरूरत है तो वो बैंक जाएगा किसके पास, RBI के पास। ठीक है, तो दो वे से कंट्रोल होते हैं, RBI 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है, जैसे जो कोई पूछ लेता है कि बैंकों को देखने वाली कौन सी संस्था है, तो इसका आंसर है RBI। RBI है जो सभी सारे बैंक को देखती है, कंट्रोल करती है, चेक करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट का बैंक। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी कभी कभार RBI से पैसे लेती है, मतलब जैसे बैंक ले लेता है RBI से, वैसे ही गवर्नमेंट भी कभी कभार RBI से पैसे ले लेती है। तो देखिए जो सेक्शन 21 है उसके तहत क्या है कि RBI क्या करता है, जो डेप्ट इशूज़ हैं, जो डेप्ट इशू करता है, जो भी इशू किए जाते हैं वो एलुमिनेट कर देता है, एलुमिनेट कर देता है सारे डेप्ट को। ठीक है, सेक्शन 21 के बिहाफ पे। और जो वेज एंड मीन्स एग्जाम एडवांस है उसके तहत क्या होता है कि सरकार को RBI कुछ समय का लोन दे देती है, वेज एंड मीन्स एडवांस के अंदर में RBI कुछ समय का लोन दे देती है सरकार को, गवर्नमेंट को। मतलब कि सरकार को भी अगर ज़रूरत पड़ रही है लोन की तो सरकार भी RBI के पास जा सकता है। तो ये इन एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों मतलब ये है बैंक ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में लिखा हुआ है पहले से कि अगर गवर्नमेंट को भी अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट भी RBI के पास जा सकती है और पैसे ले सकती है। ठीक है, इसके अंदर ये बैंक ऑफ गवर्नमेंट आगे बोलते हैं, जैसे बैंक बैंक ऑफ बैंकर्स बैंक बोला था मैंने, बैंक लेता है RBI से जो भी प्रॉब्लम होती है लोन वगैरह या पैसों की जितनी ज़रूरत होती है वैसे ही गवर्नमेंट लेती है RBI से। नेक्स्ट इश्यूज करेंसी, अब RBI क्या करता है, करेंसी भी इशू करती है, ये तीसरा फंक्शन है RBI इशू करेंसी। अब करेंसी का मतलब जैसे RBI प्रिंट भी करता है जो भी पैसे वगैरह हैं, या सप्लाई भी करता है, सप्लाई और प्रिंट का काम RBI ही करता है। किस में करता है, सेक्शन 22 RBI एक्ट 1934 उसमें लिखा हुआ है कि RBI प्रिंट भी करेगा सप्लाई भी करेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब पूछ लेते हैं और पता भी होना चाहिए हमें करेंसी जब इशू करता है तो कैसे। तो एक करेंसी नोट पर कितनी लैंग्वेज होती है, जो भी एक करेंसी नोट है उस पर कितनी लैंग्वेज होती है, तो उस पर होती है 17 लैंग्वेज। 17 लैंग्वेज कैसे, 15 होती है ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दो होती है इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको याद रखना है, कोई भी पूछ लेगा एक करेंसी नोट पर, इंडियन करेंसी पूछो, एक इंडियन करेंसी नोट पर कितनी लैंग्वेज होती है, तो 17 होती है, 15 ऑफिशियल लैंग्वेज और दो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, RBI कौन सा नोट नहीं छापता, कौन सा नोट जारी नहीं करता, वो है 1 रुपये का नोट। RBI बस 1 रुपये का नोट जारी नहीं करता, बाकी सारे नोट जारी करता है। तो ये किसके, तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है ये भी पूछ लेते हैं, अगर ये RBI नहीं करता तो कौन करता है। तो ये गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो छापते हैं 1 रुपये का नोट। ठीक है, ये इंटरव्यू में ज़रूर पूछते हैं कि 1 रुपये का नोट कौन छापता है, RBI ऐसी कौन सी करेंसी है जो RBI नहीं छापती। तो आपको याद रखना है 1 रुपये का नोट, और किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और इसके अंदर क्या है, सेक्शन 24 है जिसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम डिनोमिनेशन मतलब कितने नोट छाप सकती है RBI। RBI मैक्सिमम 10,000 के नोट छाप सकती है, बस उससे ज़्यादा नहीं छाप सकती, बस 10,000 के नोट तक छाप सकती है। और सेक्शन 26 के अंदर में क्या है, लीगल टेंडर नोट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये लीगल टेंडर जो नोट्स होते हैं उसका करेक्टरिस्टिक्स बताता है इंडियन बैंक्स नोट्स के, नोट्स नहीं होते उसके अंदर की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बताता है लीगल टेंडर वाली। ठीक है, आपको डायरेक्टली याद करना कौन छापता है, कौन सप्लाई करता है, RBI करता है। ठीक है, एक नोट, एक इंडियन करेंसी नोट पर कितनी लैंग्वेज होती है, 17 होती है, 15 ऑफिशियल, दो हिंदी और इंग्लिश। और 1 रुपये का नोट कौन नहीं छापता, RBI नहीं छापता, बस ये कौन छापता है, ये छापता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सेक्शन 24 में क्या था, मैक्सिमम डिनोमिनेशन, इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 के नोट छाप सकती है। सेक्शन 23 के लीगल टेंडर नोट्स करेक्टरिस्टिक्स, ये करेक्टरिस्टिक्स बताती है नोट्स की। ठीक है, बस इतना ही। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक मेंटेनेंस फॉरेक्स रिजर्व्स। तो इसका मतलब क्या है, मेंटेनेंस मतलब जो भी फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो भी हम आप लोग किसी देश से कुछ खरीदते हो या कुछ बेचते हो तो क्या करते हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, तो इन सब का रिकॉर्ड बनाना है और मेंटेन करना है। तो ये काम कौन करेगा, ये करेगा RBI। तो इसी का मतलब है मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व, जो भी फॉरेन से हमारी जो पैसे भेजने लेन देन का काम होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कुछ भी जो मतलब फॉरेन से रिलेटेड हो,
ठीक है, तो उसको मेंटेन कौन करता है? आरबीआई ही करता है, आरबीआई के अंदर आता है, जिसको हम बोलते हैं जो भी विदेशी मुद्रा वगैरह है, जिसको हम विदेशी मुद्रा भी बोलते हैं, कि हम अगर किसी बाहर की कंट्री है उससे पैसे का लेन देन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, वो आरबीआई करता है, तो उसके किसके अंदर आता है? मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट है लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जिसको LOLR भी बोलते हैं। डायरेक्टली पूछते हैं LOLR क्या है, तो हमें पता होना चाहिए, लास्ट फंक्शन है ये। तो LOLR का मतलब क्या है? लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये बैंक के लिए जब बैंकों को कहीं का सहारा ना मिले, मतलब बैंक कहीं का भी ना रहे, बैंकों को समझ ना आए मुझे क्या करना है, कहाँ से पैसे लेना चाहिए, ये सब के लिए RBI के पास जा सकते हैं। इसका मतलब जैसे बैंक है, बैंक कोई डूब रहा है जिसके पास पैसे भी नहीं है और ना कुछ किसी की हेल्प लेने के लिए जरूर, मतलब ना किसी की हेल्प ले सकता है, तो ये किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास, आरबीआई। तो हम इसी को LOLR बोलते हैं, मतलब आखिरी समय का सहारा। जो भी जितने भी बैंक हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो पैसे से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। इसको हम बोलते हैं आखिरी समय का सहारा, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो कोई भी जैसे प्रॉब्लम हो वो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई इसको सॉल्व कर देगा, और जितनी भी प्रॉब्लम है वो समझा देगा उसको ऐसे ऐसे करना है, इसको बस उसको मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा। तो LOLR का मतलब यही है, लास्ट आखिरी समय का सहारा, जो कि है आरबीआई। ठीक है, तो हमारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए, देख लेते हैं दोबारा। पहला था बैंकर्स बैंक, दूसरा था बैंक ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा था इश्यूज करेंसी, थर्ड था मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व्स, और लास्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये कुछ पांच फंक्शंस हैं, और भी फंक्शंस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको बताए। ठीक है, आप इसको ध्यान से कर लें, मैंने आपको आराम से समझाया। अब आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, क्या है मतलब पूरा कैसे, कौन कौन है उसके अंदर। तो टोटल कितने डायरेक्टर्स हैं? 21 डायरेक्टर्स हैं जो आरबीआई के अंडर में हैं। पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। पहला आता है गवर्नर, गवर्नर है पहला। सेकेंड है फोर डिप्यूटी गवर्नर, उसके बाद चार डिप्यूटी गवर्नर आते हैं, फिर चार लोकल बोर्ड मेंबर्स, दो फाइनेंस मिनिस्ट्री मेंबर्स, और 10 अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। तो ये टोटल 21 बोर्ड मेंबर्स हैं जो आरबीआई के अंडर में आते हैं। पहला गवर्नर, चार डिप्यूटी गवर्नर, चार लोकल बोर्ड मेंबर्स, दो फाइनेंस मिनिस्ट्री मेंबर्स, 10 अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं अलग से। तो ये सारे हैं 21, तो इनका सबसे ज़्यादा मेन रोल रहता है, मैक्सिमम रोल इन्हीं का रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो कुछ भी काम होता है इन सब का ही काम होता है मेन। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद करना है, 21 होते हैं गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, लोकल बोर्ड मेंबर, फाइनेंस मिनिस्ट्री मेंबर, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। पूछ लेते हैं आपको कि कितने बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो आपको ऐसे डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन हैं आरबीआई से रिलेटेड, मुझे कन्वर्ट नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन है रीसेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का रीसेंट गवर्नर जो अभी है आपको वो देखना है, एंड उन्होंने किसको रिप्लेस करा था। ठीक है, और रिप्लेस क्यों करा था, क्या मतलब क्या रीज़न था रिप्लेस हुए थे वो। नेक्स्ट है चार डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के चार डिप्टी गवर्नर के नाम आपको देखने हैं और उनका काम क्या है, चार डिप्टी गवर्नर उनका काम मतलब क्या क्या काम करते हैं चारों के चारों। और देखना है चार लोकल ऑफिस और आरबीआई, आरबीआई के जितने भी चार लोकल ऑफिस हैं, ठीक है, वो आपको देखना है। तो इन सब का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ताकि मुझे पता चले हाँ आप लोग पसंद कर रहे हो वीडियोज़ को। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, पूरा मैंने आपको बता दिया फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बाकी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, तभी मुझे पता चलेगा हाँ आप लोग पसंद कर रहे हो वीडियोस को, तभी मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, आगे और भी अच्छी पूरी बैंकिंग विंडोज़ कम्प्लीट करनी है हमें अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, और ईजिली जो आपको समझ आए वही। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं सारी की सारी, तो आपको डायरेक्टली देख लेना है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मैंने आपको ईजिली समझाया कैसे कितने फंक्शन कितने क्या होते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इससे उन्हें भी पता चले बैंकिंग अवेयरनेस इतनी ईजी है, पढ़ने में भी आसानी है और डायरेक्टली याद भी हो जाती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।